खनियाधाना में महाराणा प्रताप चौराहे पर आज यदुवंश युवा ब्रिगेड एवं अन्य सामाजिक संगठनों के युवाओं ने मिलकर 1962 के भारत चाइना युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और दीपक जलाकर उन्हें याद किया। इस अवसर पर यदुवंशी युवा ब्रिगेड के जिला संयोजक सुरेंद्र सिंह यादव एवं तहसील संयोजक ब्रजेश यादव ने हमारी टीम को बताया कि 1962 के भारत चाइना युद्ध में रेहनगला घाटी में 120 यादव वीरों ने भारत माँ की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी थी और 1700 से अधिक चाइना के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। जब भी भारत पर कोई विपत्ति आई है तब यादव जाति के वीर सैनिक बढ़ चढ़ कर भारत माँ की सेवा में अपना योगदान देते रहे हैं, परंतु आज तक किसी भी गवर्नमेंट में यादवों के सहयोग का फल उन्हें नहीं दिया है। सुरेंद्र सिंह यादव ने कहा कि जिस तरह भारत में जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट और अन्य रेजिमेंट बनी हुई है, उसी तरह एक यादव रेजिमेंट का भी गठन होना चाहिए जिससे कि यादव जाति के युवा बढ़ चढ़ कर भारत माँ की रक्षा में अपना सहयोग दे सके। कार्यक्रम में उपस्थित सभी युवाओं को संबोधित करते हुए ब्रजेश यादव ने खनियाधाना क्षेत्र से भारतीय सेना में सिलेक्ट हुए सभी युवाओं का उत्साहवर्धन किया और अन्य युवाओं से बढ़ चढ़ कर भारतीय सेना में शामिल होने का आह्वान किया। ब्रजेश यादव युवाओं को भारतीय सेना में शामिल होने की तैयारी बहुत समय से निःशुल्क में करवाते आ रहे हैं। ये आज का जो आपका कार्यक्रम है किस संगठन द्वारा मनाया गया है और क्या कार्यक्रम है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे? आज का कार्यक्रम हमारे यादव समाज और लोकल के अन्य समाज के लोग भी इकट्ठे हुए हैं। 18 नवंबर का जो यादगार दिन है, 18 नवंबर 1962 को रेजांगला का युद्ध हुआ था। रेजांगला जो कि लद्दाख की चुशूल घाटी में स्थित है, इसमें 120 भारतीय सेना के जो जवान थे, 120 ही इसमें अहीर या यादव जाति से संबंधित थे और चीनी सेना जो थी 5 से 6 हज़ार के आसपास चीनी सैनिक थे, जिसमें ऐसे 1700 सैनिकों को 114 भारतीय सेना के अहीर जवानों ने मार दिया था। 5-6 हज़ार सेना चीनी सैनिक थे, उनमें से 1700 को हमारे अहीर सैनिकों ने मार दिया था और इस युद्ध की तारीफ चीन ने भी की थी और एक ऐसा अदम्य साहस का युद्ध था जिसमें मात्र 114 जवानों ने 1700 के आसपास चीनी दुश्मनों को मार दिया था और उससे ज़्यादा कई लोगों को घायल कर दिया था। अभी यदुवंशी युवा ब्रिगेड के साथियों के साथ यहाँ पर महाराणा प्रताप चौराहे पर रेजांगला दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। उन 114 वीर अहीर शहीदों की प्राणों की आहुति के उपलक्ष्य में हम ये शौर्य दिवस मना रहे हैं, रेजांगला दिवस मना रहे हैं और हम चाहते हैं कि सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन हो, जैसे कि अन्य जातियों का रेजिमेंट का गठन है, ऐसे हमारी यादव समाज या अहीर रेजिमेंट का गठन हो।